सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी पर। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ा नियम आ चुका है कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले समस्त टीचरों के लिए। और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे दोस्तों, ज्ञापन देंगे अपने अपने जिले में। ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि नई शिक्षा नीति धीरे धीरे लागू हो रही है, नए नियम आ रहे हैं, क्या अतिथि शिक्षकों के लिए कोई प्रॉफिट हो सकता है? कल लोक शिक्षण संचालनालय का एक आदेश जारी हुआ जिसमें परिवहन वाले जो बसें ले गए थे महापंचायत में, उनका जो पैसा रुका हुआ था वो भी आ चुका। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना शिक्षा विभाग का काम लेट होता है। बसों वालों का जो बजट है वो अब दिया है दोस्तों, और कई महीने पहले सितंबर में महापंचायत हुई थी, फरवरी में बजट आया है, और अब अतिथि शिक्षकों का बजट अभी नहीं दिया गया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक तो परेशान हैं दोस्तों, लेकिन जो भी नए नए अपडेट आते हैं, जो भी अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड खबर आती है, मैं आप लोगों को सबसे पहले देने की कोशिश करता हूं। नवी से बारहवीं तक के शिक्षकों के लिए भी अब टीईटी होगा अनिवार्य। और नई दिल्ली ब्यूरो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी होगा। अभी तक स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य था। फिलहाल यह व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर लागू होगी, जिससे राज्य भी अपना सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने टीईटी को लेकर सोमवार को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका ऐलान किया। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था का ध्यान अंकों पर केंद्रित करने के बजाय छात्रों के विकास व संस्कारों पर होना चाहिए। यह तभी संभव है जब उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों में इसकी समझ होगी। NCTE की सचिव केसांग बाई शेरपा ने इस मौके पर स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अगले शैक्षणिक सत्र में TET आयोजित करने का जानकारी दी है और बताया कि इस दिशा में तेजी से तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का बेहतर बनाने के लिए उसमें पहली कक्षा से 12वीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई थी। तो यह एक नियम है, नया नियम है, इसको फॉलो करना होगा सभी शिक्षकों के लिए। दोस्तों दिन प्रतिदिन नए नए नियम आते हैं, अब शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। हालांकि ये अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा बेनिफिट होगा, और इसको लेकर मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मध्य प्रदेश में समस्त जो अस्थाई कैटेगरी के टीचर लगे हुए हैं, जैसा कि गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, 14 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की, पदस्थाई की, तो उनका क्या होना है? अब सरकार नई शिक्षा नीति में क्या उनके लिए कुछ बेनिफिट दे सकती है? हालांकि महापंचायत हुई थी, उसमें घोषणाएं तो बहुत कुछ हुई थी, लेकिन आदेश जारी ना होने के कारण समस्त अतिथि शिक्षक निराश हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नियमित शिक्षक होना जरूरी है। इसलिए मध्य प्रदेश के समस्त जो गेस्ट टीचर हैं उनके पास में एक्सपीरियंस है 14 वर्षों का, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास भी हैं, RT के पूरे नियम में हैं, तो उनके लिए प्रावधान होना चाहिए। बाकी आप सभी कैसे हैं मित्रों, जरूर बताएं। फिर आ रहा हूं मैं एक और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।